इसमें दिखाते हैं इस स्टोरी में कि जो हमारा सेकंड मेन लीड है उसका नाम XUN है। तो बताते हैं कि ये जो है एक्सो कॉर्पोरेशन का मालिक है और ये एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पे क्योंकि मालिक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके फादर और जो ग्रैंडफादर है वो भी पहले बहुत ही ज़्यादा प्रेसिडेंट की ही पोस्ट पे रहे हैं और उनका जो स्वभाव रहता है वो बहुत ही कड़क स्वभाव रहता है। और उसकी फैमिली भी यही चाहती है कि ये जो हमारा सेकंड लीड है वो भी टायरेंट की तरह ही प्रेसिडेंट का अपना प्रेसिडेंटशिप करे, लेकिन हमारा जो सेकंड मेन लीड है उसे सिर्फ आराम से काम करना पसंद है और वो सोचता है कि जितना आराम से काम किया जाए उतना ही अच्छा होगा। और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी के लिए करना चाहता है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे एक ऐसी बीमारी होगी जो कि बिना इलाज की होगी, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। उसने बहुत सारे अपने टेस्ट भी कराए लेकिन उन टेस्टों में जो बीमारी बताई गई उसका कोई इलाज नहीं था। उसने बहुत सारे किताब भी पढ़े और उसने कहा कि उसने बहुत सारे नॉवेल्स भी पढ़े और उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसे कहीं पे भी पता नहीं चला कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट यदि ऐसी सिचुएशन में अटक जाए जिसे एक ऐसी बीमारी हो जो कि उसको उसकी जवानी में हो तो उसमें वो प्रेसिडेंट क्या करेगा। लेकिन फिर उसने देखा कि वेब में एक नया नॉवेल चल रहा है जो कि उसको बहुत आई कैचिंग लगता है, उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये स्टोरी होता है साउथर्न यान किंगडम का जो कि नॉर्थ किंगडम में है और जो वहाँ का प्रिंस है वो बहुत ही अच्छा प्रिंस माना जाता है और वो नॉर्थ किंगडम का ही प्रिंस होता है, लेकिन उसको बहुत सारे ह्यूमिलेशंस को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो सारा ये जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो ये सब बुरे व्यवहार को सहन करता है और एक दिन वो उस नॉर्थ किंगडम से भाग जाता है। फिर उनकी कंट्री में एक दिन बैटल होता है और उस बैटल में बहुत सारे लोगों को सफरिंग भी होता है, लेकिन और जो उनका एनिमी होता है वो इनके कंट्री में कॉन्कर कर लेता है। और तभी से हमारा जो मेन लीड है वो बहुत ही ब्रेव हो जाता है और उसको सिर्फ रेवेंज चाहिए होता है। और जो मेन लीड है वो उसके मन में इतनी ज़्यादा हेट्रेड होती है कि वो अपने दूसरे सबऑर्डिनेट्स को भी रिक्रूट करता है, बहुत सारे फॉलोअर्स बनाता है और फिर एक दिन वो नॉर्थ किंगडम के अंदर घुस जाता है और वहाँ के एम्परर को वो अपने हाथों से मार देता है और इसी तरह वो पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और अपने आगे की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तभी इनका असिस्टेंट आता है, हमारे सेकेंड मेरी का असिस्टेंट आता है और वो देखता है मोबाइल में कि जो ये नॉवल वो पढ़ रहा है वो बहुत ही एक्शन से भरी हुई नॉवल है। और तभी जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो सोचता है कि जो इस नॉवल का ऑथर होता है जिसने ये नॉवल लिखी है उसने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है इस पार्ट को और उसने बताया है कि मेन लीड ने नॉर्थन किंगडम पे विजय प्राप्त कर ली होती है, लेकिन ऑथर ने ये नहीं बताया कि कैसे उसने ये सब किया होता है और इसका जो एंडिंग है वो बहुत ही टेरिबल एंडिंग भी रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप थोड़ा आराम कर लीजिए करके। तो मेन लीड कहता है, जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही टायर्डनेस फील हो रहा है तो तुम अब जा सकते हो करके वो उसे भेज देता है और अपना फ़ोन देखने लगता है। और उस फ़ोन को देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और कुछ बोलना चाहता हूँ करके। तो मेन लीड जो है एक स्क्रिप्ट टाइप करता है और वो भेजता है कि जो नॉर्थन किंगडम है वहाँ पर एक प्रिंसेस है और वो जो प्रिंसेस है
वो वहाँ के प्रिंस को बहुत ही प्यार करती है, तो मेन लीड को भी और वहाँ की जो प्रिंसेस है उसको प्यार करना चाहिए और उनकी जो लाइफ है आसानी से कटनी चाहिए, ऐसा करके वो मैसेज भेज देता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो जो उस कुर्सी पे बैठा होता है उसी कुर्सी पे सो जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब क्या होता है कि रात होती है और उसको थोड़ा सा ब्लरी विजन होने लगता है कि क्या हो रहा है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एकदम नई जगह पे पाता है और वो एक बिस्तर पे सो रहा होता है। तो हमारा सेकंड मेन लीड बहुत कंफ्यूज होता है और पूछता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, और फिर सोचता है हे भगवान मैं यहाँ कहाँ आ गया। और ऐसे सोच के वो जल्दी से उठ बैठता है अपने बिस्तर में, और जब वो बिस्तर में बैठता है तो वो इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, कहाँ पर आ गया है वो। और वो उसको ये भी लगता है कि ये जो सीन है वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही पुराने पुराने जमाने का सीन हो, कोई पैलेस हो करके। तभी वो सोचता है कि मैं क्या मर चुका हूँ और यहाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है, या मैं उस यहाँ पर किसी चीज के द्वारा भेज दिया गया हूँ। और फिर वो ऐसा भी सोचता है कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तभी एक आवाज आती है मेड की और मेड बोलती है कि योर मैजेस्टी, यदि आप उठ गए हैं तो मैं आपको चेंज करने में मदद कराती हूँ। और ये मेड जो है सब हाथ वाथ पैर धोने का बर्तन वगैरह सब पानी वगैरह लेके आई होती है। अब हमारा जो सेकंड मेल लीड है वो सुनता है कि कोई उसे योर मैजेस्टी बुला रहा है, तो वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैं फाइनली यहाँ पर पुनर्जन्म मेरा हो गया है। लेकिन ये दुनिया जो होती है, इनकी जो एंशियंट जमाना है, इसमें क्या होता है कि कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है और सब लोग यहाँ तलवार से ही काम चलाते हैं, और तो हो सकता है मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत कंफ्यूज होता है, तो हमारा सेकंड मेन लीड पूछता है मेड से कि क्या यहाँ पर डीमंस और इमॉर्टल्स भी हैं क्या इस वर्ल्ड में। तो मेड बोलती है कि योर मैजेस्टी क्या आप टेंपल जाना चाहते हैं क्या। तो जो हमारा सेकंड मेन लीडर वो सोचता है कि ये एक्चुअली फैंटेसी भी नहीं है, ये वाकई में रियल है। और तभी मेड कहती है कि योर मैजेस्टी, हमारे जो पिछले एम्परर थे वो मर चुके हैं और उनको मरे हुए काफी दिन हो गए हैं, तो आप कितने दिन तक ऐसे शोक मनाएंगे। अब आपको और शोक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे फिर आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तभी वो सोचता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, तो अब क्या मैं न्यूली क्राउन्ड एम्परर होऊंगा क्या, क्या मैं नया एम्परर हूँ क्या। तो वो अपनी मेड से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मिरर है क्या। तो मेड उसके हाथ में मिरर देती है, और तभी हमारा सेकंड मेन लीड अपना चेहरा मिरर में देखता है और सोचता है कि वो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। और तभी वो सोचता है कि मैं एक एम्परर हूँ और जिसके पास कोई भी मिलिट्री का पावर नहीं है, तो बेसिकली शायद मैं कठपुतली ही होऊंगा इस रीजेंट का। और फिर वो ये भी सोचता है कि लगता है फ्यूचर जो है बहुत ही वरीसम है, बहुत चिंता से भरा हुआ है। पर लेकिन अब मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे दूसरा चांस मिला है रहने का, तो मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये भी सोचता है कि हालांकि मैं मेल लीड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका मतलब किसी तरह का मेरे साथ कुछ बुरा हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। फिर वो अपनी मेड से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेड बताती है कि उसका नाम हॉन्ग है। तो उसको याद आता है, हमारे सेकंड मेल लीड को याद आता है कि ये जो सर्वेंट हॉन्ग है वो उसका जो ये है, ये नॉर्थ में जो किंगडम है वहाँ के एम्परर की पर्सनल सर्वेंट होती है। तो यहाँ क्या कर रही है, वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो फिर उसे ऐसा लगता है कि यदि ये सर्वेंट नॉर्थ के किंगडम की है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि जो यंग एम्परर नॉर्थ किंगडम में जिसका मर्डर होता है और मेल लीड के द्वारा, वो मैं ही हूँ? क्योंकि मैंने तो स्टोरी में यही पढ़ा था ना कि उसने उसका मर्डर कर दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि मैं ही वो यंग एम्परर हूँ जिसका मर्डर जो है वो इसके हमारे मेल लीड के द्वारा होएगा करके। तो और तभी उसको लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वरी करने वाली बात है, और फिर अचानक से वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। तो उसकी मेड बोलती है, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कहीं पे कुछ प्रकार की समस्या हो रही है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो हमारा जो सेकेंड मेल लीड है वो बोलता है कि मैं बस रियलिटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी बताते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड मेल लीड है उसका नाम जो है एक्सियो एन है, जो कि अपने प्राइम में प्रेसिडेंट था, और उसने अभी तक अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं ढूंढी है। और गर्लफ्रेंड तो दूर की बात, वो तो नहीं ढूंढी, उसकी जगह उसका जो पुनर्जन्म है वो यहाँ पर हो गया है नॉवेल के अंदर। अब आखिर क्या होगा क्या, मतलब पहले तो वो सिंगल प्रेसिडेंट, उसके ऊपर से उसको इतनी सारी बीमारियाँ, उसके ऊपर से इस नॉवेल में आने के बाद उसका मर्डर भी होने वाला है। ये सब सोच के उसे लगता है कि लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किलों से भरी पड़ी है। तो वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जैसे भी सिचुएशन आती जाएगी मैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को संभालता हुआ जाऊँगा। और तभी वो अपनी मेट से पूछता है कि यान ही क्विंग कहाँ पर है। ये यान ही क्विंग जो है वो हमारा मेल लीड है। तो सर्वेंट बोलती है कि मैं आपकी मेड हूँ जो कि बहुत स्टूपिड हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। तभी हमारा सेकंड मेल लीड सोचता है कि जो मेल लीड है वो अपने सर्वेंट को बताता है कि जो प्रिंस है साउथर्न किंगडम का, जिसे हमने हमारे फॉर्मर यानी पिछले एम्परर ने कैप्चर कर लिया था, उसके बारे में वो पूछ रहा है। और बोलता है कि मैं उस प्रिंस को अपने यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो जो मेड रहती है इसका मुंह खुला सा रह जाता है, और मेड सोचती है ठीक है मैं समझ गई। और तभी हमारा सेकंड मेन लीड सोच रहा होता है क्या मुझे इसको सब कुछ सही भाषा में बोलने की ज़रूरत है क्या कि ये थोड़ा सा अपने आप भी समझेगी। और तभी वो सोचता है कि यदि मैं मेल लीड को अपने घर में अरेस्ट करके रख लूँगा और उसे अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में रखूँगा तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो जो मेल लीड है वो तो वैसे भी इसे मारना चाहता है। फिर वो तैयार होता है और वो एम्परर के चैम्बर के एंट्रेंस में पहुंचता है। और जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ का जो साइट सीन है वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है। ये देख के उसे लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर जगह कोई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर ये भी सोचता है कि जो हमारे पिछले एम्परर थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा करेज था और इसीलिए उन्होंने ये सब कर पाए, लेकिन जो हमारा साउथर्न यान का किंगडम है वो वहाँ पर कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से ये किंगडम जो है सफ़र करता है और हमारे एम्परर को उस किंगडम पे अटैक करने का चांस मिल जाता है, और वो वहाँ के प्रिंस को हॉस्टेज बना लेते हैं और उनका ट्रेजर भी जो है मतलब उनका खजाना जो है उसे लूट लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो अपने आप को इतना स्केयरी दिखाते हैं और वो अपने घर भी जाते हैं जहाँ पर वो अपने को अपना लाइफ एंजॉय कर सकें।
और जो क्राउन प्रिंस है उनका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि वो प्रिजन में है, और उनकी जो समस्या है वो ये है कि वो अपनी जो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ऐश और आराम से गुजारते हैं। बहुत सारी लड़कियों के बीच में भी रहते हैं और उन्हें कभी भी स्टेट के अफेयर्स के बारे में कोई चिंता नहीं रहती है। और तभी इसी वजह से नॉर्थन किंगडम जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डिफीट मिला था, मतलब वो हार गया था। और इसका कारण कौन था? वो जो मेन लीड था उसने इस किंगडम को हरा दिया था। अब क्या होता है कि वो बताता है कि ये जो ट्रेजडी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, सब अपने ही उसमें लगे रहते हैं। तभी हमारा सेकंड मेन लीड सोचता है कि अब इस करंट टाइम में मैं यहाँ का एम्परर हूँ और नॉर्थ किंगडम का, और जो मेन लीड है यहाँ की मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वो प्रिजन की तरफ जाता है और वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो बोलते हैं वेलकम मैजेस्टी। और तभी दिखाते हैं कि हमारा जो सेकंड मेन लीड है वो अपने नाक पे हाथ रखता है क्योंकि उसको वहाँ पर जो गंध आ रही होती है वो अच्छी नहीं लगती। तभी सोल्जर बोलता है कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, यदि कुछ काम था तो आप हमें बोल सकते थे और ऐसी ख़राब जगह पे आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेन लीड बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग सभी जो हैं मनुष्य एक ही जैसे बने हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और तभी दिखाते हैं कि जो हमारी कहानी का मेन लीड है उसे यहाँ पर जेल में बंद करके रखा गया है और वो बहुत ही खतरनाक सा भी दिख रहा है। और तभी हमारा सेकंड मेन लीड उसको देखता है और बोलता है कि ये वाकई में हमारा मेन लीड है, और वो अपने मन में सोचते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब मैं मर जाऊंगा करके, क्योंकि यदि ये छूट जाएगा तो ये वाकई में मुझे मार डालेगा। तो वो अपने सोल्जर्स को फिर भी ऑर्डर देता है कि तुम गेट खोलो करके, और वो सोल्जर सुनता है बोलता है यस मैजेस्टी मैं गेट खोलता हूँ। और फिर उस जेल का दरवाज़ा खुलता है लॉक, जिसमें से आवाज़ आती है, और फिर हमारे जो सेकंड मेन लीड है वो जेल के अंदर उस सेल में जाते हैं जहाँ पर देखते कि हमारा जो मेन लीड है उसे चेन से भी बांधा गया है और उसमें बहुत जख्म भी हो रखे हैं और उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा सेकंड मेन लीड आगे आगे जाता है और पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि मेन लीड जो है उसको एक आंख से देख रहा है क्योंकि दूसरी आंख बालों से ढकी हुई है। और तभी हमारा सेकंड मेन लीड सोचता है कि ये जो आदमी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब दिखने में अच्छा है, कोल्ड हार्ट भी है, तो ये हमारा मेन लीड होने के लिए एकदम वर्थी है और इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो वो थोड़ा और पास जाता है और देखता है कि मेन लीड की जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस से भरी होती है, जैसे कि वो सभी को मार देगा। तो सेकंड मेन लीड सोचता है कि यदि मैंने इसे नहीं मारा आज तो ये कल ज़रूर मुझे फ्यूचर में मार देगा। ऐसा सोच के वो अपने पीछे खड़े हुए सोल्जर की उसमें से साइड में से तलवार को खींचता है और वो तलवार को निकाल के मेन लीड की गर्दन के ऊपर रखता है और सोचता है कि अब तो मैं इसे मार ही दूंगा। लेकिन होता क्या है कि मेन लीड उसको घूर के देखता है और तभी ये हमारा सेकंड मेन लीड सोचता है कि किसी को भी मारना एक चुटकी भर का काम है, लेकिन मैं फिर भी किसी को नहीं मार सकता हूँ। तो वो क्या सोचता है कि मुझे वैसे भी प्लॉट तो पता ही है कहानी का कि क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके साथ इसको मार नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा कि इस मेन लीड को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करूँगा, इसे बहुत प्यार करूँगा और अपने आप को इसे पसंद करने पे मजबूर कर दूँगा, और इससे क्या होगा कि जो मेरी डेथ है वो होगी नहीं और मेरा बॉडी भी इंटैक्ट रहेगा, मतलब मेरे बॉडी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉवल के हिसाब से मेन लीड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, लेकिन ये जो हमारा मेन लीड है वो इमॉर्टल की तरह है और वो बहुत ही अच्छा है देखने में। तभी जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो बैठता है नीचे और
हमारे मेल लीड के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसके बालों को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन मेल लीड थोड़ा सा मतलब उतने समय से बंधा हुआ है तो ऑब्वियसली वो गुस्से में होगा, तो वो हमारे सेकंड मेल लीड को काट लेता है। तभी सोल्जर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इसको मैजेस्टिक को काटने की। लेकिन जो हमारा सेकंड मेल लीड है वो अपने सोल्जर को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और अभी भी हमारा जो मेल लीड है वो हमारे सेकंड मेल लीड के हाथ को काट रहा होता है। तो सेकंड मेल लीड जो है वो बोलता है मेल लीड को कि क्या तुम मेरे हाथ को जाने दोगे प्लीज़ करके। तो और बोलता है कि यदि तुम मेरे हाथ को जाने दोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में रिलीज़ करवा दूँगा करके, जेल से आज़ाद करा दूँगा। तो उन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हमारा सेकंड मेल लीड थोड़ा पीछे की तरफ होता है और जब वो फिर मुड़ता है और जाने लगता है और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि इसको प्रिजन से आज़ाद कर दो और इसको इम्पीरियल फिजिशियन यानी इम्पीरियल डॉक्टर के पास में भेजो और इसके जो जख्म है उसको प्रॉपरली ठीक से ट्रीट करवाओ। अब मेल लीड अभी सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या ही चल रहा है ये। फिर वो उठ के खड़ा होता है और अपना कुछ करने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा सेकंड मेल लीड बाथटब में बैठा होता है और वहाँ पर अपना नहा रहा होता है। तभी उसकी मेड आती है और कुछ उसके कानों में बोलती है और फिर हमारा सेकंड मेल लीड एक आह भरता है कि देखो कितनी मुश्किलें हैं करके। और तभी उसे और इसका चेहरा दिखाई देता है अपनी आँखों में जो कि हमारा मेन लीड है। और वो सोचता है कि जो मेल लीड है वो एक तरीके से उसके लिए ख़तरनाक सपने की तरह है और वो ये भी सोचता है कि उसका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एम्परर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद इसीलिए वो मेल लीड है। और फिर सेकंड मेल लीड सोचता है कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मेरा जो भाग्य वो इतना बेकार है और मैं ऐसे रिलेशनशिप में फंस गया हूँ। तभी मेड आती है और बोलती है कि योर मजिस्ट्री सोने का समय हो गया है तो आपको सोना चाहिए और मैं आपको यहाँ से विदा ले रही हूँ। तो मजिस्ट्री उसको गुड नाइट बोलता है, मतलब हमारा सेकंड मेल लीड गुड नाइट बोलता है। और तभी मेड भी बोलती है कि ठीक है मजिस्ट्री आप बहुत रेस्ट कीजिए और अपना ध्यान दीजिए। लेकिन हमारा सेकंड मेन लीड अभी बैठ के कुछ सोच ही रहा होता है तभी एक पीछे से हाथ आता है और उसको उसकी छाती को पीछे से हक कर लेता है। तो सेकंड मेन लीड को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है योर मैजेस्टी। तो वो देखता है कि ये कौन है और वो पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं, और उसको अपने कंधे से पकड़ के आगे की तरफ ढकेल देता है। तो ये इंसान जिसका नाम युआन है वो गिर जाता है और बोलता है कि क्या मैजेस्टी आज आप कोई गेम खेलना पसंद करेंगे क्या, ये किस टाइप का गेम खेल रहे हैं। लेकिन योर मैजेस्टी तो खुद ही डरे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हॉन्ग मुझे बचाओ करके। और फिर उसके बाद वो ये बोलता है कि हे भगवान जो ओरिजिनल कैरेक्टर है मतलब जिसके अभी वो शरीर में आया हुआ है वो एक्चुअली बॉय लवर ही नहीं था, उसे ऐसे टाइप के गेम खेलना भी पसंद था करके। तो तभी मेड आती है और बोलती है कि योर मैजेस्टी क्या आज का जो हमने आपके लिए अरेंजमेंट किया था वो आपको पसंद नहीं आया क्या, यदि आपको पसंद नहीं आया है और यदि ये ठीक नहीं कर रहा है तो हम इसे जान से मार सकते हैं करके। तभी हमारा सेकंड मेल लीड बोलता है कि हॉन्ग तुम कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा जो ये ब्लड लस्ट है ये कुछ ज़्यादा ही है तो तुमको इसको कंट्रोल में करना चाहिए। तो तभी हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि ये ठीक है मैं वैसे भी किसी मूड में नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर वॉक करने पे जाऊँ। और तभी वो कहता है कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसको कुछ रिवॉर्ड दे देना और भगा देना। तो मेड बोलती है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी।
और हमारा सेकंड मेन लीड सोच रहा होता है कि एम्परर बनना भी कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग वर्क है, मतलब बहुत थका देने वाला काम है। और ये जो काम है ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के जॉब से अलग नहीं है। प्रेसिडेंट का काम भी बहुत बोरिंग होता है और एम्परर का काम भी बहुत बोरिंग होता है। और तभी उसको ध्यान आता है मेन लीड के बारे में, और वो सोचता है कि मेन लीड अब शायद रिकवरी कर रहा होगा, और जो है और शायद आगे फ्यूचर में वो अपने आंसू भी उसके निकलेंगे कि मैंने उसको कितना अच्छे से बचा लिया करके। ये सब हमारे सेकंड मेन लीड की इमेजिनेशन चल रही होती है। और तभी वो सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है करके। तो वो बाहर निकलता है और क्या हो रहा होता है दूसरी तरफ कि एक किसी चीज़ से हमारा मेन लीड बैठ के अपने दोनों पैरों के चेन को काटने की कोशिश कर रहा होता है, और काट काट के किसी तरह वो उसे काट ही देता है। और कि तभी कोई बोलता है कि एम्परर जो है वो हमारे डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, मतलब वो एम्परर जो है वो इधर ही आ रहे हैं। और मेन लीड ये सब बातें सुन रहा होता है। दो औरतें, दो मेड्स बात कर रही होती है कि इतनी लेट में हमारे जो एम्परर है वो यहाँ क्यों आ रहे हैं जल्दीबाजी में। क्या वो इस आदमी को जो मेन लीड है उसको अपने टोली में भर्ती करना चाहते हैं क्या करके। अब ये बात हमारा मेन लीड सुन लेता है और ना अपनी मुट्ठी उट्टी बीज के गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा कौन, मतलब वो एक मेल लीड है, वो खुद कहीं का प्रिंस है और उसको किसी और के अंडर में रहना पड़े। तो हमारा सेकंड मेल लीड पूछता है कि जो हमारे साउथर्न किंगडम है उसके वहाँ से मतलब कोई आया था क्या, और ये जो हमारा मेल लीड है वो कैसा कर रहा है। और तभी वो आदमी बताता है कि मैंने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और वो अभी बिस्तर में सो रहा है करके। तभी हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि अब तुम जा सकते हो करके। तो पीछे वाला आदमी बोलता है कि ये जो योर मैजेस्टी, ये हमारा एनिमी है, तो आप इसके साथ थोड़ा ध्यान से रहिए। तो हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही स्किलफुल हूँ, यानी मुझे बहुत कुछ आता है। और तभी ये जो बूढ़ा आदमी होता है कि बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अपनी यहाँ से लीव लेता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सेकंड मेन लीड देखता है कि मेन लीड बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी तरफ आगे आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही सेकंड मेन लीड जाता है और वो मेन लीड के बिस्तर में जाके बैठ जाता है और उसे देखने लगता है, और फिर एकदम से पास में जाके देखता है और सोचता है कि ये हमारे मेन लीड का जो चेहरा है वो इतना लाल सा क्यों दिखाई दे रहा है। और तभी वो अपना सिर उसके सिर पे रख देता है और चेक करता है कि क्या उसे कहीं फीवर तो नहीं है। अब क्या होता है कि जो मेल लीड है उसको लगता है कि बापरे क्या हो रहा है उसके साथ। और तभी हमारा सेकंड मेल लीड सोचता है कि इसे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और इसके कपड़े जो हैं वो पूरे गीले हो गए हैं, लेकिन और इसे जो है इसके कपड़े जो है इसे बदलने चाहिए। और ये सोच के वो मेन लीड के कपड़ों को खोलने लगता है। अब जब वो उसे खोलता है तो उसके शरीर पर उसे काफ़ी सारे निशान दिखाई देते हैं, और मेन लीड अलग ही सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हमारा सेकेंड मेन लीड भी सोचता है कि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल टाइप है और इसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, और ये सोच के वो उसके कपड़े उतारने में ही लगा रहता है। उतारते उतारते वो उसके पैंट की तरफ भी पहुंच जाता है। अब मेन लीड और कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है। और तभी हमारा सेकंड मेन लीड जो है उसके दिमाग में ये सब चल ही नहीं रहा होता है कि उसको कोई देख भी रहा है, और वो सोचता है कि मुझे इसको क्या है क्लीन कर देना चाहिए और उसको एक नए कपड़े पहना देने चाहिए, और नहीं तो इसका जो कंडीशन है वो थोड़ा सा और भी वर्स हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो उसके बॉडी को देखने लगता है, और बॉडी को देखते देखते वो नॉट को भी देखने लगता है जो बंधी हुई होती है गठान, और सोचता है इसको खोला जाए। उतने में क्या होता है हमारा जो मेल लीड है ना वो उठ जाता है और ना सेकंड मेल लीड को एक लात मारता है, और सेकंड मेल लीड जो है वो बिस्तर से नीचे ही गिर जाता है।
और हमारा जो मेन लीड है वो सेकंड मेन लीड के ऊपर आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया है और अब तुम मुझे ऐसे भला फुसला के अपने हरम में मतलब शामिल करना चाहते हो करके। और तभी सेकंड मेन लीड बहुत कोशिश करता है कुछ बोलने की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके जो मुंह के ऊपर हाथ रखा होता है। और तभी सेकंड मेन लीड उसके हाथों को बांधने लगता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। तभी सेकंड मेन लीड बोलता है कि कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए, समवन सेव मी करके, और वो मेन लीड के हाथ पे काट लेता है। अब मेन लीड भी उसे देखता है, तभी सेकंड मेन लीड बताता है कि मैं जो हूँ वो नॉर्थन एम्परर नहीं हूँ, तुमने गलत आदमी को चुना है करके। और बोलता है कि तुम हिलो डुलो मत, एक मिनट मुझे सुनो करके। और तभी बताता है कि जो जेड हेयर पिन रहता है, जेड स्टोन का बना हुआ हेयर पिन, वो तुम्हारे बेल्ट में है छुपा हुआ, और ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए छोड़ा था उनके मतलब मरने से पहले। और यदि मैं सच में नॉर्थ का एम्परर होता तो मैं ये चीज़ तुम्हें कभी भी नहीं देता था, ऐसा करके ये अपने मेल लीड को किसी तरह बताता है। और तभी जो हमारा मेन लीड है वो अपना देखता है कि वाकई में उसके बेल्ट में एक जेड का हेयर पिन है, और वो अपनी मदर को याद करता है और सोचता है कि वो वाकई में यहाँ पर हाइड किया गया था। और वो उससे पूछता है कि आखिरकार फिर तुम कौन हो। और तभी वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, तो वो बोल देता है कि मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ। तो मेन लीड सोचता है डैड, तो ये जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो एकदम से ओबीडियंट, एकदम भोला भाला सा एक्ट करने लगता है। तभी हमारा मेन लीड पूछता है कि डैड का मतलब क्या होता है। अब सेकंड मेन लीड सोचता है कि अब कैसे समझाया जाए, तो वो सोचता है, बोलता है कि मैं जो हूँ मैं पिछली ज़िंदगी में मर गया था, और जब मैं वापस ज़िंदा हुआ तो जब मेरी आंखें खुली तो मैं एम्परर बन के यहाँ पर आ गया नॉर्थ किंगडम में, और मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वाकई में वो पुराना एम्परर नहीं हूँ करके। मेन लीड इसकी सारी बातें सुनता है और देखता है उसे, और सेकंड मेन लीड को लगता है कि शायद वो भरोसा नहीं करेगा, और देखता है कि वाकई में वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। और तभी वो सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए करके, और जो हमारा एम्परर है सेकंड मेन लीड वो वहाँ से भागने की तैयारी में होता है, भागने की कोशिश करता है। तभी हमारा मेन लीड उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके बाद धीरे से उसका गला भी पकड़ लेता है और उसको दीवार की से चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बिस्तर पे गिर पड़ते हैं। और जब वो बिस्तर में गिर पड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा चोट लग जाती है, और जो मेन लीड है उसके घुटने पे हाथ रखता है। और इसमें इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारे सेकंड मेन लीड का पैर खिंच जाता है, और सेकंड मेन लीड सोचते हैं कि लगता है मैं वाकई में इस बार फिर से मर जाऊँगा। तभी डोर के ऊपर नॉक होता है और हमारे जो मेन लीड है वो देखता है कि नॉक हो रहा है करके, और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैजेस्टी मैजेस्टी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं आपको आपके पैलेस में लेने के लिए वापस आया हूँ करके। तो वो उसको जब देखता है तो उसको लगता है कि क्या हुआ है करके। अब क्या होता है कि मेन लीड हमारे सेकंड मेन लीड के मुंह पे तो हाथ रखा होता है, तो बाहर सब लोगों को लगता है कि भैया क्या हो गया, अंदर कोई आवाज़ नहीं दे रहा। तो सोल्जर बार बार पूछता है कि योर मैजेस्टी यदि आप कोई रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं अभी अंदर आ जाऊँगा करके, और दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन लीड है वो तो मैजेस्टी का मतलब मुँह बंद करके रखा होता है, और तभी सोल्जर
एक कदम आगे बढ़ाता और अंदर आता है, और तभी हमारा मेन लीड मुझसे भरी आंखों से देखता है, और तभी हमारा एम्परर बोलता है कि तुम अंदर मत आओ, दरवाजा बंद करो और चले जाओ। तो दरवाजा वापस बंद हो जाता है, और फिर हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि वो ठीक है, तुम बाहर रात को देखो और अंदर मत आना, चाहे कुछ भी हो। तो जो सोल्जर होता है वो बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। और फिर उसके बाद ना इतना सब स्ट्रगल होता है, तो बेचारा हमारा सेकंड मेन लीड हाफ जाता है। और तभी मेन लीड पूछता है कि ऐसा क्यों किया, और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और क्या कहते हैं, हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि यदि मैं चाहता तो मैं तुम्हें कब का मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं जब मैं प्रिजन आया था। और चूंकि मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुम पे मैंने अपने हाथ नहीं डाले, तो मेरा कोई तुम्हें मारने का फ्यूचर में भी कोई इंटेंशन नहीं है। और वो बोलता है यानी मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद से। तो हमारा मेन लीड सुनता है कि वो क्या कह रहा है, और हमारा सेकंड मेन लीड जो है वो बोलता है कि मुझे जो भी कहना था मैंने तुम्हें कह दिया है, और अब चाहे तुम मुझे मारो या ना मारो ये तुम्हारी इच्छा, और यदि मारने वाले हो तो तुम अभी ही मार दो, और मैं वैसे भी एक बार मर चुका हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है दूसरी बार भी मरने से। तो रात हो चली होती है, बहुत रात होती है, फुल मून भी होता है, और तो दोनों सो जाते हैं बिस्तर में। और जो हमारा सेकंड मेन लीड होता है वो बहुत ही थक गया होता है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो थोड़ा बहुत भी हिले, दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं। लेकिन जो मेन लीड है वो अपने आप को कवर करता है, और हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि तुम अपने आप को कुछ उड़ा लो, रात बहुत ठंडी है करके। तो दोनों एक अपने अपने आप को कंबल में लपेट लेते हैं। तो जो सेकंड मेन लीड है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पे फुली बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पे भरोसा करो या नहीं करो, टाइम के साथ तुम्हें मेरे पे भरोसा होने लगेगा। और वो ये भी बोलता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें मदद करेगा करके। और तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है पैलेस में रहने के लिए। तो हमारा मेन लीड बोलता है कि यदि मैं पैलेस में नहीं रहूँगा तो फिर किधर रहूँगा करके। और तभी हमारा एम्परर बोलता है कि मेरे पास भी कोई जगह नहीं है जाने की, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से जुड़ के रहें करके। तो अब सवेरा हो जाता है और उनके कमरे में रोशनी आने लगती है, और दोनों जो हैं एक ही कंबल के अंदर सो रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन लीड होता है उसकी आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे होते हैं, क्योंकि वो रात भर ढंग से सो नहीं पाया होता है। लेकिन वो फिर भी उठता है और अपने सिर पे हाथ लगाता है और बाजू में सो रहे इंसान को देखता है। जब वो देखता है तो ये देखता है कि एम्परर जो है वो तो बेसुध होके गहरी नींद में सो रहा है, और वो उसके कपड़े को मतलब हाथ लगाता है, उसके बालों को हाथ लगाता है। तो ये जो हमारा एम्परर है वो भी बड़ी बड़ी आंखें खोल के वो करने लगता है, देखने लगता है। और दूसरी तरफ वो मेन लीड अपने कपड़े को एम्परर के हाथ से छुड़ा लेता है, और तभी हमारा एम्परर बोलता है गुड मॉर्निंग हैंडसम डूड करके, और खुशी खुशी उसको देखने लगता है। तो उधर से मेड सर्वेंट आती है और बोलती है कि योर मैजेस्टी मैं आ गई हूँ आपके लिए, वो लेके कपड़े चेंज करने का सामान लेके, और प्रिंस यान के लिए भी मैं सामान लेके आई हूँ। तभी हमारे एम्परर जो है वो मेड से सामान लेते हैं, और मेड उनको सामान देके बोलती है ठीक है मैजेस्टी आप आइए कपड़े बदल के। और तभी हमारा जो ये सेकंड मेन लीड एम्परर है वो इन कपड़े लेके जाता है और बोलता है कि मैं ये कपड़े पहनो, तुम इन कपड़ों को बदलो और ये वाले नए कपड़े पहनो, और मैं अपनी मेड हॉन्ग को बोलूँगा कि तुम्हारे लिए और भी चीज़ें हाउस होल्ड की डिपार्टमेंट से लेके आए। तो जो मेन लीड है वो बोलता है कि इम्पीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट। तो एम्परर बोलता है हाँ। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह पे नहीं रहना चाहते हो, ये जिंग यांग पैलेस में नहीं रहना चाहते हो, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सब
उस तरह के लड़के रहते हैं और इसीलिए तुम यहाँ नहीं रहना चाहोगे करके वो कपड़े मेन लीड को दे देता है। अब मेन लीड जो है वो कपड़े चेंज करता है, अपने बाल बनाता है, अपना बेल्ट भी फिक्स करता है और अपने हाथ वाथ को भी ठीक से रखता है। अब मेन लीड एकदम टाइडी और एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है। अब मेन लीड जो है वो पूछता है, ये सेकंड मेन लीड पूछता है कि ये किस चीज के लिए यूज होता है और ये पेंडेंट को मैं कहाँ पर लटकाऊं, क्या इसे कॉलर पे लटकाऊं बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। और ये सुस्ते सुस्ते वो अपने आप में ही बात कर रहा होता है, तभी देखता है कि मेन लीड उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। तो वो बोलता है सेकंड मेन लीड कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ये मेरे कपड़े वपड़े पहनाने में मेरी मेड हॉन्ग हेल्प करे, और लेकिन यदि वो मेरे गले में ये इंजरी देखेगी तो फिर वो क्या ही सोचेगी करके। तो मेल लीड भी देखता है कि वाकई में सेकंड मेल लीड के गले में इंजरी है करके, तो वो एक कपड़ा निकालता है और उसकी तरफ ले जाता है। तो मेल जो सेकंड मेल लीड होता है वो पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, और जो हमारा मेल लीड होता है वो उस कपड़े को क्या कहते हैं बांधना चाहता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है, मेल लीड बोलता है कि तुम हिलना डुलना बंद करो। तो वो बोलता है कि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हम लोग साथ में इतना पीसफुली रहेंगे। जो मेल लीड है उसने पिछले जन्म में मेरे को मारने के लिए प्लॉट किया था, लेकिन अभी वो मुझे कपड़े पहनाने में मदद कर रहा है करके। और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और लेकिन उसको बहुत सफोकेटिंग भी फील हो रहा होता है। मेल लीड हमारे सेकंड मेल लीड की आंखों में देखता है और तभी सोचता है कि जो ये आंखें हैं ये कितनी सुंदर हैं, एकदम प्योर हैं, इनमें जो है एक चमक सी है और ग्लो भी है और ये बहुत ही अच्छा है करके। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि मैं इम्पीरियल हाउस होल्ड के डिपार्टमेंट में जाऊं। तो हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि हाँ मैं ऑफकोर्स श्योर हूँ, नहीं तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा करके। तभी हमारा मेन लीड उसको कपड़े पहना देता है, उसकी कमर में जो फीता है वो भी बांध देता है, बोलता है कि ये हो गया, एक पेंडेंट लटक रहा होता है। एक तरीके से मेन लीड ने सेकंड मेन लीड को तैयार करने में मदद करी होती है करके। और तो सेकंड मेन लीड देखता है और हमारा मेन जो लीड है वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, और तो हमारा सेकंड मेन लीड सोचता है कि वो कितना पुअर है, और ये वो सोचता है कि यदि तुम हैंडसम दिखते हो तो तुम कुछ भी पहनोगे उसमें तुम अच्छे ही दिखोगे, लेकिन ये आदमी इतना मतलब ओल्ड होके देखता है। तभी वो बोलता है कि उसकी जो मेड हॉन्ग है वो उसे इम्पीरियल हाउस होल्ड के डिपार्टमेंट तक ले जाएगी, और ये बोलता है कि अब मुझे कोर्ट जाना है करके। ऐसा कह के हमारा सेकंड मेड लीड चला जाता है, और तभी रास्ते में जाते जाते उसे उसकी मेड दिखाई देती है और मेड पूछती है कि यदि आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं तो आप उसे ये जिंग यांग पैलेस में ही क्यों नहीं रहने देते हैं करके। तो हमारा सेकंड मेल लीड बोलता है कि ये जो है ये एक सीक्रेट है और ये सीक्रेट टाइम के साथ ही सबको पता चलेगा, तो तुम किसी को भेजो जो उसकी केयर कर सके। तो मेड जो है वो बहुत ओबीडियंट होती है और बोलती है ठीक है मैजेस्टी, मैं किसी को भेजती हूँ जो उसकी केयर कर सके। और अपने मन में सोचती है कि ये जो मैजेस्टी है वो हमेशा अलग से ही है, वो जो भी मन में सोचते हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता चलता है, तो मे बी उनका जो इंटेंशन होगा वो मेल लीड को यानी यान ही को पनिशमेंट देने का होगा, तो मुझे वाकई में उसकी केयर जो है वो प्रॉपरली करनी पड़ेगी। बाहर बर्फ पड़ रही होती है और वहाँ पर लोग जा रहे होते हैं। अब हमारा जो एम्परर है वो अपने कोर्ट में पहुंच चुका होता है और सब बोलते हैं कि योर मैजेस्टी जो जनरल बाई पिंग है वो यहाँ आए हैं, क्या आप उन्हें देखेंगे या नहीं देखेंगे। और तभी हमारा एम्परर सोच रहा होता है कि इतना सारा पेपर वर्क है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है,
और तभी वो सोच बोलता है कि वो इंसान कौन है। तो उसको बताया जाता है कि वो ओल्ड जनरल है और ये हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं और क्या कहते हैं आज भी वो आए हैं। तो हमारा सेकंड मेन लीड पूछता है कि जनरल सन कहाँ है वो करके। तो उनका जो सेवक है वो बताता है कि वो वहाँ पर है और उससे पहले वो बोले और देखते हैं कि मैजेस्टी ही गायब हो चुके हैं। मैजेस्टी जल्दी जल्दी आते हैं और देखते हैं कि बाहर एक आदमी ग्रीन कलर का कपड़ा पहने हुए खड़ा है और वो पूछता है कि क्या तुम जनरल सन हो बाई पिंग, जिन्होंने बहुत सारे वार्स को जीता था और आर्मी को भी लीड किया था साउथर्न किंगडम में। तो ये बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। तभी नव पीछे सोल्जर बोलते हैं कि क्या हमारे मैजेस्टी जनरल सन को पनिशमेंट देने वाले हैं क्या। तो जो हमारे मैजेस्टी होते हैं वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो एम्परर बना तो मैं बहुत ही अपने पोजीशन से ऑब्सेस था और मैंने गलत काम किए करके। तो जो हमारे जनरल होते हैं वो बोलते हैं मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, तो तुम फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। और तभी हमारे एम्परर बोलते हैं कि ठीक है फिर आप कहिए जो आप कहने के लिए आए हैं। एक घंटे के बाद हमारे जो जनरल हैं वो बोलते हैं कि मैंने आज बहुत सारी बातें कही है और ये सब कंट्रीज़ के बारे में है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो टाइम है वो कंट्री के अफेयर्स में और स्टेट में लगाएं, तो मैं थोड़े दिन आराम से सो सकूँगा और रात में भी मैं सो सकूँगा करके। तो हमारा एम्परर बोलता है ठीक है मैं अपने आप को इमीडिएटली बदलूँगा। और तभी जनरल जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और एम्परर बोलता है ठीक है आप अच्छे से जाइएगा। और फिर उसके जाने के बाद हमारे एम्परर की सांस में सांस आती है। तो जब सब चले जाते हैं तो हमारा सेकंड मेन लीड यानी एम्परर सोचता है कि जब तक मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करूँगा यानी जब तक मैं किसी को भी उकसाऊँगा नहीं मेरे लाइफ को कोई ख़तरा नहीं होगा करके। तभी मेड आती है और बोलती है कि मैजेस्टी आप थोड़ा चाय पीजिए। और तभी हमारे एम्परर पूछते हैं कि हॉन्ग कहाँ पर है। तो ये दूसरी मेड बताती है कि वो जो है वो इम्पीरियल गार्डन में गई है और क्या कहते हैं कुछ उसको कलेक्ट करना है और टी क्या कहते हैं स्नो भी हो रही है और टी भी बनानी है करके। तो एम्परर बोलता है ठीक है तो मैं भी इम्पीरियल गार्डन में जाऊंगा और वहां जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो मेन लीडर है वो बैठा होता है और सोच रहा होता है कि फादर मदर मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। वो हेयर वो जेड हेयर पिन को अपने हाथ में लेके ऐसा सोच रहा होता है। तभी कोई बोलता है कि यानी तुम ऐसे क्यों खाली बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए करके। और तभी दिखाते हैं कि इम्पीरियल गार्डन में दो लोग चल रहे होते हैं और तभी देखते हैं कि एक आदमी हमारे मेन लीड को बोल रहा होता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है हाउस होल्ड डिपार्टमेंट में तो मैं तुम्हें कोई इजी जॉब दूंगा, तो तुम यहाँ आओ और सारा स्नो क्लियर करो सनसेट से पहले। और तभी वो आदमी बोलता है कि कोई झाड़ू लेके आओ। तभी हमारा मेन लीड पूछता है कि क्या इम्पीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट के लोग झाड़ू प्रोवाइड नहीं करते हैं क्या और यहाँ के लोग स्नो को क्लियर नहीं करते हैं क्या। तभी दूसरा आदमी सोचता है कि हम लोग नॉर्मली तो ये करते हैं लेकिन तुम जो हो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है मैजेस्टी के द्वारा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन लीड अपनी मुट्ठी भीज लेता है और बोलता है कि ये कैसा गुड स्पेशल ट्रीटमेंट है करके। और जो दूसरा आदमी सोचता है कि ये मेन लीड को बुली करना बहुत आसान है, तो वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरा नाम लो क्योंकि यहाँ मैजेस्टी तो है नहीं, और यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे को भी जितना फेवर मिलता उतना नहीं मिलेगा
करके, तो मेलिट को गुस्सा आ जाता है और मेलिट ना उस आदमी का हाथ झटक देता है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वाकई में वीआईपी हो और एम्परर जो है तुम पे को कोई फेवर कर रहे हैं करके। तो वो अपना वो निकालता है, क्या चाबुक निकालता है, हंटर निकालता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब करने की, और सोचता है कि अब मैं इसको अपने हंटर से पीटूंगा करके। लेकिन मेलिट देखता है अपनी साइड की आंखों से कि कोई आ रहा है, और देखता है तो वो हॉन्ग होती है मेड, जिसके हाथ में एक बॉटल भी होती है। और तभी वो हंटर जो है पड़ता है हमारे मेलिट के वहाँ पर, और उसको वहाँ पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी मेड आती है और उस आदमी को देखती है, तो वो आदमी पूछता है कि लेडी हॉन्ग आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो लेडी हॉन्ग बोलती है कि मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्नो जो है मेल्ट हो रही है वो चाहिए था टी बनाने के लिए, तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा मैं यहाँ आके देख भी लेती हूँ। तुम्हारा मेड लीड जो है अभी वो स्नो में जख्मी पड़ा होता है। तो हमारी मेड बोलती है कि तुम वाकई में समझ सकते हो कि हमारे जो मैजिस्ट्री है वो क्या चाहते हैं, और तुम जो बीस्ट को टेम कर सकते हो। पर वो आदमी बोलता है, ये मेड बोलती है कि ये जो तुमने किया है ये सफिशिएंट नहीं है इस आदमी के लिए। और वो बोलती है, वो आदमी बोलता है कि हाँ लेडी हॉन्ग आप सही कह रही हो, और सोचता है कि फिर से वो हंटर उठाएगा और फिर से वो मेल लीड को पिटाई करेगा। तभी मेल लीड जो है उसको गुस्से में देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है और हंटर को पकड़ लेता है, और हंटर एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो बाकी के दो लोग जो होते हैं मेड और ये जो सर्वेंट है, वो दोनों के दोनों फटी आँखों से मेल लीड को देखने लगते हैं। और तभी देखते हैं कि ये हंटर बेसिकली मेन लीड ने नहीं हमारे सेकंड मेन लीड ने पकड़ा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ डालने की, और वो हंटर खींचने के लिए आगे बढ़ता है। सर्वेंट और जो लेडी हॉन्ग रहती है दोनों अपने घुटने टेक देती है और बोलते हैं कि मैजेस्टी मैजेस्टी। तो मैजेस्टी तो पहले ही बहुत गुस्से में होते हैं, वो हंटर फेंक देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो करके। तो ये जो दोनों सर्वेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी जो ज़िंदगी है उसे बख्श दीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ज़िंदगी बहुत जल्दी ले ली जाती थी। सेकंड मेन लीड सोचता है कि मैं तो पहले प्रेसिडेंट था, मुझे अपना प्रेसिडेंट वाला जो एटीट्यूड है उसको छोड़ना होगा। और फिर वो देखता है कि जो मेन लीड है वो बर्फ में पड़ा हुआ है, और यदि उसे उठाया नहीं गया तो वो बर्फ में जम के ही मर जाएगा। वो जाता है और मेल लीड को उठाता है और सोचता है कि मुझे इसे इंपीरियल हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाना पड़ेगा, और ये ऑर्डर देता है। योर मिस मेड हॉन्ग बोलती है कि मैं किसी को भेजती हूँ जो जाके वहाँ पर इन्फॉर्म करे। तो हमारा सेकंड मेल लीड बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है लेकिन हमें इसे किसी भी तरह बचाना होगा और ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमारा एम्परर जो है वो मेल लीड को अपनी पीठ पे बिठाता है और निकल लेता है। और तभी अपने मन में सोचता है कि तुम इतने भारी कैसे हो सकते हो जबकि तुम इतने दुबले पतले दिखते हो। हमारा मेल लीड जो है वो अपनी आंखें खोलता है और फिर देखते हैं कि इम्पीरियल हॉस्पिटल आ गया है। और तभी हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि उनको रास्ता दे क्योंकि वो लोग इमरजेंसी के लिए आ रहे होते हैं, और वो मेल लीड को बिस्तर में लिटाता है। लेकिन जब उसको लिटाता है तो वो भी उसी के ऊपर गिर जाता है और बोलता है कि मैं शायद मर जाऊंगा, ये बहुत भारी था। और वो ये भी सोचता है कि उसके जो पैर हैं वो नम हो गए हैं इतनी दूर तक आने में। और ये क्या करता है, हमारा सेकंड मेल लीड हमारे मेल लीड के ऊपर ही बैठ जाता है। एक तो पहले ही हमारा मेल लीड जो है इंजर्ड है और ऊपर से आदमी उसी के ऊपर बैठ गया है। और तभी वो बोलता है हमारा सेकंड मेन लीड कि कमांडर यांग हम मुझे हाथ दीजिए तो मैं यहाँ से उठ सकूँगा। और फिर उसके बाद मेन लीड का ट्रीटमेंट कराते हैं और पूछता है कि वो कैसा है। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं,
अब उसके जो वूम्स हैं, जख्म हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात है वो है रेस्ट। तो हमारे एम्परर की जान में जान आती है। तभी हमारी मेड बोलती है हॉन कि योर मेजेस्टी, क्या आपको फ्रॉस्टबाइट हो गया है क्या? और तभी वो बोलती है कि फिजिशियन डॉक्टर, हमारे मेजेस्टी को भी देखिए, और ये जो बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस बॉडी है, मतलब ये बहुत ही वैम्परर हैं तो उनकी देख रेख ज़्यादा ही अच्छे से होती है। और तभी जो डॉक्टर है वो आते हैं और हमारे एम्परर के हाथों में एक मरम पट्टी लगाते हैं। और हमारा एम्परर मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये जो फ्रॉस्टबाइट का प्रोसेस है ठीक करने का, वो पुराने ज़माने की जो मेडिसिन होती थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती थी। और हमारा मेन लीड जो है वो देख रहा होता है ये सब, कि एम्परर कैसे रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि स्लो डाउन, क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है। हमारा मेन लीड सोचता है कि आखिरकार इस एम्परर के इंटेंशन क्या है, वो इस तरह के मतलब मेरी मदद क्यों कर रहा है, इस लेंथ तक क्यों जा रहा है। जो हमारा एम्परर है वो बोलता है कि हॉन्ग, तुम यहाँ रहो और मुझे रिपोर्ट करना मेरे चैम्बर में आके, यदि यहाँ कुछ भी होता है तो। और तभी जो ये मेड है वो अपने घुटनों पे आती है और बोलती है कि मैजिस्ट्री, आप मुझे पनिश कीजिए, मैंने जो प्रिंस यान है उन्हें मैंने अच्छे से देख रेख नहीं की, और आपकी परमिशन के बिना ही मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, तो मुझे आप पनिश कीजिए। तो जो हमारे एम्परर है वो नीचे झुकते और बोलते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें पनिश करूँ कि तुम मेन लीड के बाजू में रहो और प्रिंस सियान की तरफ रहो और प्रिंस सियान को ध्यान रखो करके। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये जो लोग हैं ये हमेशा पनिशमेंट के बारे में ही क्यों पूछते रहते हैं, इनको पनिशमेंट इतना अच्छा लगता है क्या? तो जो हॉन्ग रहती है वो खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, थैंक यू मैजेस्टी। तो जो मैजेस्टी हैं वो बोलते हैं डोंट मेंशन इट, और वो अपने सोल्जर के साथ आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब दिखाते हैं कि हमारे जो एम्परर है वो बर्फ़ में चलते हुए जा रहे हैं, और तभी वहाँ पर उन्हें फैंग यूई का जो साउथ यान का इम्पीरियल म्यूजिशियन है वो दिखाई देता है, जो टेबल पे बैठा होता है और कुछ बजा रहा होता है। और वो जब देखता है कि मैजेस्टी आए हैं तो वो उठ जाता है, लेकिन एम्परर उसको बोलता है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो और जो बजा रहे थे उसको तुम कंटिन्यू रखो और बजाते रहो। ऐसा कह के वो उसके पास से पास हो जाता है और सोल्जर मुस्कुरा के म्यूजिशियन की तरफ देखता है करके। तभी एम्परर पीछे मुड़ के देखता है, पूछता है क्या तुम्हें वो पसंद है क्या? तो सोल्जर अपने पैरों पे गिरता है, बोलता है नहीं मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। तभी एम्परर पूछता है कि तुम क्यों नहीं पसंद करते, मतलब तुम क्यों डेयर नहीं करते इस म्यूज़िक को पसंद करने के लिए। तो जो सोल्जर है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे ये म्यूज़िक पसंद है। तो एम्परर बोलता है तो क्या तुम्हें पता है कि ये जो इंसान है वो, तो तभी वहाँ से आवाज़ आती है योर मैजेस्टी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी हमारे मेजेस्टी को समझ में नहीं आता कि कौन आया और उसके गले में आके पड़ गया। तो वो पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर आने की? तो सोल्जर देख के बोलता है कि ये जो है मिस्टर क्वीन है करके। तो मिस्टर क्वीन तो वो बताता है कि मैंने कुछ दिनों में एक नया सॉन्ग सीखा है, तो क्या योर मैजेस्टी आप मेरे चैम्बर में आना चाहेंगे आज रात को, तो मैं अपना सॉन्ग आपको सुनाऊंगा और यह चीज़ मैं खुद ही करूंगा। और वो मैजेस्टी के कान में ऐसे फुसफुसाता है, लेकिन मैजेस्टी के तो माथे पे पसीना आ जाता है। तभी सोल्जर आता है और बोलता है कि मिस्टर क्वीन, आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए मैजेस्टी का। और जो मैजेस्टी है वो हॉन्ग को, मतलब उनकी मेट को बोल देंगे कि यदि आपको उनको कोई काम की ज़रूरत होगी तो आप तक मैसेज पहुंचवा देंगे।
और आप इस तरह हमारे मैजेस्टी को डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा मैनर्स को सीखिए करके। वो किसी तरह क्वीन को एम्परर से अलग करता है और बोलता है कि आप यहाँ से जाइए। तभी एम्परर बोलता है कि रुको, वैसे भी अभी बहुत ही ज़्यादा अर्ली टाइम है, और तो मैं क्वीन की प्लेस में थोड़ी देर के लिए जाऊँगा। तो सोल्जर बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी। अब क्या होता है, एक कॉर्नर जो जिंग यांग पैलेस में होता है, वहाँ पर हमारे जो एम्परर है वो बैठे होते हैं और क्वीन भी बैठा होता है। और हमारे एम्परर सोच रहे होते हैं कि चार किंगडम की हिस्ट्री में क्वीन यू जो था वो उसे डेथ नॉर्थन एम्परर ने डेथ ग्रांट नहीं की थी उसके मरने से पहले, और ये भी एक मेल लवर ही था जिसने एम्परर की साइड को नहीं छोड़ा था। और ये उस समय की बात है जब कुछ लोगों ने नॉर्थन किंगडम में घुसपैठ करी थी। और तभी जो क्वीन है वो अपना सिंगिंग का काम चालू करता है और सितार बजाते हुए कुछ गाता है, और इसमें ये गाना होता है कि विद इन द स्मोक एंड फ्लेम, स्मोक और फ्लेम के अंदर, ऐसे करके गाना होता है उनका जो उसने आखिरी सॉन्ग अपने एम्परर के लिए गाया होता है। और तभी दिखाते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स भी आ चुके होते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि इससे पहले कि वो अपना गाना फिनिश कर पाता, तो उनकी सिटी में दूसरे घुसपैठ लोग घुस चुके होते हैं, और अपनी डेथ से पहले तक जो एम्परर है ये गाना सुन नहीं पाते, और क्या कहते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये हमारा एम्परर जो है वो कुछ सोच रहा होता है, और तभी क्वीन बोलता है कि आप जो हो वो थोड़ा टायर्ड हो गए होगे ये ब्लूमिंग फ्लावर वाला सॉन्ग सुन के, तो क्या अब हमें कुछ और करना चाहिए। तो हमारा एम्परर उसको हाथ देता है और बोलता है क्वीन यू, मैं इस बार यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अगली बार तुम्हें यहाँ देखने नहीं आऊँगा। और वो सॉरी कहता है और खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है कि तो हमारा क्वीन बोलता है कि मैजेस्टी आपको ऐसा लगता है कि जो आज मैंने गाना गाया वो अच्छा नहीं गाया था और वो इनफ नहीं है करके आपको सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमारे एम्परर बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें अपने सैलरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे तुम्हारे ऑफिशियल पे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा क्वीन जो है वो आके फाड़ फाड़ के एम्परर को देखता है और एम्परर बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, अब तुम अपना ख्याल रखना, ऐसा कह के एम्परर चला जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एम्परर अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि नॉवल में जितने भी लोग थे उनका जो एंडिंग हो वो बहुत हैप्पी एंडिंग हो, कोई भी दुखी ना हो, और तभी मैं नहीं चाहता कि जो क्वीन है वो अपना सॉन्ग को पूरा करें एम्परर के लिए, क्योंकि यदि वो पूरा करेंगे तो हो सकता है वो मर जाएं। तो क्वीन जो है वो बाहर निकलता है और देखता है क्या होता है कि जो वहाँ पर एक उनका एक और एक आदमी होता है जिसका नाम जाओ होता है, और उस वो बहुत ही सस्पिशियस सा मालूम पड़ रहा होता है, और वो सोचते हैं कि उसको यहाँ पर मॉर्निंग में क्यों बुलाया गया है। और तभी एक आदमी जो मेल लीड को पिटाई करने करता है हंटर से, वो आदमी सोचता है कि यान ही जो है वो बहुत ही कावड़ है और उसे कुछ आता आता नहीं है, वो सिर्फ अपना एंगर को होल्ड करके रखता है और वो कभी अपने एंगर को निकाल नहीं सकता, तो इस आदमी के ऊपर नज़र रखने का क्या ही फ़ायदा है। तभी वो देखता है कि जिस आदमी के बारे में वो ये सोच रहा था वो आदमी अपना आर्ट जो है अपना कुंफू वगैरह उसका प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करता है, तलवार से वो इधर उधर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे उसकी स्वॉर्ड इधर जा रही है उधर जा रही है, क्योंकि
इन दी एंड इन लोगों का सारा काम तो स्वार्थ से ही होता है। ये देख के उसकी आंखें फटी की पटी रह जाती हैं और वो बोलता है कि ये कहाँ से मतलब कावड़ हो सकता है, ये तो ऑब्वियसली प्रिटेंड कर रहा था कि ये जो है उसे कुछ आता जाता नहीं है। तो हमारा मेन लीड उसे देखता है और तभी ये सोचता है आदमी कि मुझे जाके जाओ को बताना चाहिए। तभी हमारे एम्परर आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो हमारा ये आदमी बोल सोल्जर जो उनका सेवक होता है वो बोलता है योर मैजेस्टी और मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था। तो एम्परर बोलते हैं ठीक है तो फिर तुम जा सकते हो और एम्परर अपना हाथ बढ़ाते हैं और मेल लीड की तरफ बढ़ते हैं। और तभी एम्परर मेल लीड के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम जब यंग थे तब क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला था और कि तुम इतने वियर्ड से क्यों हो, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे प्यार की कदर कर सकता हूँ करके। और तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ करके। तो मेन लीड बोलता है कि उसको कहीं नहीं जाना है। और तभी हमारा ये सेकंड लीड सोचता है कि नॉट गोइंग यानी वो नहीं जा रहा है और वो सोचता है कि इतना एरोगेंट होने की क्या ही ज़रूरत है, चाहे तुम मेन लीड क्यों ना हो लेकिन मैं भी प्रेसिडेंट था एक टाइम पे। और तभी एम्परर बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा और तुम मेरी बात सुनो और चलो मेरे साथ। तभी देखते हैं कि जो मेल लीडर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता इस चीज़ से। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उनके हाइट में भी डिफरेंस होता है, वो ये सोच रहे होते हैं। और तभी हमारा सेकंड मेल लीड सोचता है कि क्या हुआ यदि मैं शॉर्ट हूँ तो, मेरा हाइट छोटा है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वो चाहता है और मेन लीड के कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा, मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। तो मेन लीड जो होता है वो पूछता है कि कहाँ जाना है। तो हमारा सेकंड मेन लीड जो है वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है या ऑफकोर्स एक ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे सारे डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे। कहते हैं कि इम्पीरियल किचन और किचन की तरफ। तो वो बोलता है क्या हम यहाँ पर आ रहे हैं करके। और हमारा मेन लीड पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेकंड मेन लीड सोचता है कि मैं कैसे मेन लीड का ध्यान बताऊं कि उसे मेरे पे शक ना हो। तो एम्परर रुकता है और मेन लीड पूछता है अब क्या। और तभी हमारा एम्परर बोलता है कि मैं ये जो ऊपर ऊंचाई है मैं यहाँ पर चढ़ नहीं सकता हूँ करके। बोलता है कि मैं ये एक ही बार करूँगा ऐसा और उसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा करके हमारा मेन लीड कहता है। तो हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है ठीक है करके। और फिर मेन लीड जो है वो अपनी गर्दन घुमाता है, पैर बढ़ाता है और फट से छत के ऊपर पहुँच जाता है। ये देख के हमारा एम्परर का मुंह खुला रह जाता है कि कैसे वो एक छलांग में ऊपर पहुंच गया। नीचे से ऊपर देखता है और सोचता है कि वाकई में ये मेन लीड होने के लिए वर्दी है और ये हैंडसम भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये दीवार भी चढ़ लेता है। हमारा मेन लीड अपना हाथ बढ़ाता है और उसको बोलता है कि अपना हाथ दो, लेकिन देखता है कि वो आदमी वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन फिर धीरे से देखता है तो वो थोड़ा सा दूर होता है और एम्परर उसको हाथ दिखाता है। तो मेन लीड वापस नीचे आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर गेट से आया। तो मेन लीड बोलता है कि तुम्हें पता था कि जो डोर है वो अनलॉक था। अब लेकिन जो सेकंड मेल लीड है वो कैसे बोल सकता है कि उसे पता था। तो वो बोलता है कि मुझे अभी अभी पता चला। फिर एम्परर बोलता है कि हम यहाँ पर आए हैं खाना चोरी करने के लिए, तो यदि तुम दीवार चढ़ोगे और उतरोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बेटर फील होगा करके। अब वो किचन में जाते हैं और हमारा एम्परर सोचता है कि यहाँ पर तो कोई मीट नहीं है करके और देखता है कि वहाँ पर स्वीट पोटैटोज है। तो हमारे एम्परर की आंखों में तो चमक ही आ जाती है स्वीट पोटैटोज को देख के। और वो वहाँ से स्वीट पोटैटोज को लेके आता है और बोलता है ये स्वीट पोटैटो जो है वो बने हुए हैं, कुक्ड हैं
तो यदि ये बहुत अच्छे टेस्ट ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम फ्रेश हैं करके। और वो मेन लीड को पोटैटो देता है, मेन लीड उस पोटैटो को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो हमारा एम्परर सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं यदि कुछ नहीं कहता है तो, और अपने मुंह में डाल लेता है। और तभी हमारा मेन लीड पूछता है ओवन क्या होता है करके। तो हमारा एम्परर जो है वो बताता है कि एक स्पेशल प्रोडक्ट है, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है चिकन को और डक्स को रोस्ट करने में। और ऐसा कहके वो बोलता है कि ये अभी डे ब्रेक का टाइम है, और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हमारे फोर किंगडम्स जो हैं उसमें प्रिंसेस योंग निंग है, और जो बहुत दूर से यहाँ पर आएगी और ये नॉर्थ किंगडम में रिटर्न करेगी, और वो जब मिलेगी अपने लवर, जब उसको अपने लाइफ में लव पाना होगा और वो अपने लवर से, फ्यूचर लवर से मिलेगी, तो उसकी मुलाकात इस इंपीरियल किचन में ही होगी। और वो बोलती है, वो बोलता है कि जो हमारा माइटी मेन लीड है वो कोई और नहीं यान ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की लव स्टोरी को अपनी आँखों से देखूँ। तभी ये हमारे मेन लीड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार एम्परर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वो पूछता है तो हमारा एम्परर बोलता है तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि तुम्हारी वाइफ इधर पे है क्या। तभी इसको मेन लीड को लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो एम्परर के मुंह पे हाथ रखता है, उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम चुप रहो यहाँ कोई आ रहा है। और तभी हमारा एम्परर सोचता है कि कोई क्या आ रहा है, पक्का वो प्रिंसेस योंगनिंग होगी जो आ रही होगी, लेकिन ये बात वो कैसे बताए। तभी वहाँ से अपने मन में बोलता है कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो, यदि प्रिंसेस योंगनिंग ने हमें ऐसे देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या ही सोचेगी करके। लेकिन फिर भी जो हमारा मेन लीड है वो सेकंड मेन लीड के मुंह से हाथ नहीं हटाता, और वो दोनों दीवार पर चिपक के खड़े हो जाते हैं। और तभी वो देखता है कि क्या हो रहा है, और मेन लीड जो है वो एम्परर को धक्का दे देता है और वो टेबल के नीचे जाके छुप जाता है। तभी दो सोल्जर्स आते हैं और खाना देखते हैं, खाने का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तो एम्परर भी छुप के देख रहा होता है। और एक बुढ़ा आदमी पूछता है कि यहाँ पर स्टुअर्ड फैंग क्यों है, क्या हमने कुछ चीज़ को मिस किया है क्या। स्टुअर्ड बोलता है यान ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, स्टुअर्ट फैंग यहाँ है और तुम अभी तक अपने घुटनों को नील नहीं किए हो, मतलब झुके नहीं हो। तो जो हमारा एम्परर है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो हमारा मेल लीड है और हमारी जो फीमेल लीड है, और वो एक्चुअली में एक क्लासिकल प्लॉट है कि जो लेडी है वो हीरो को सेव करेगी करके। तो मेल लीड जो है बहुत ही गुस्से से इस बूढ़े आदमी को देख रहा होता है, और तभी बूढ़ा आदमी अपने पैर उठाता है और मेन लीड के घुटनों पर मारता और बोलता है कि तुम नीचे क्यों नहीं झुक रहे हो करके। तभी वो ये भी बोलता है कि तुम एक तो बहुत ही डम हो और तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो स्टुअर्ट फैंग का, तुम क्या वाकई में ऐसा सोचते हो कि एम्परर यहाँ आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, जैसे कि वो लास्ट टाइम में आए थे जब तुम्हें हंटर पड़ रहा था। तो जो मेन लीड है वो अपने घुटने पर गिर जाता है क्योंकि उसको पीछे से पुश किया जाता है। और तभी जो एम्परर है वो उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो सोच रहा होता है कि अरे भाई इस चीज़ के साथ तुम थोड़ी देर झेल लो, क्योंकि तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो अभी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है, और तुम्हारी फ्यूचर वाइफ जो है वो यहाँ जल्दी आएगी और तुम्हें सेव करेगी करके। और तभी ऑर्डर आता है कि अपना मुंह ऊपर करो करके, और वो जो आदमी उसने उसके घुटने पे लात मारी होती है वो मेन लीड का मुंह ऊपर करता है। और तभी स्टुअर्ट बोलता है कि वाकई में ये जो वाइल्ड वुल्फ की तरह है करके। और तभी स्टुअर्ट बोलता है कि जो प्रिंस यान है वो कभी प्रिंस हुआ करते थे,
तो वो इन सब चीज़ों के यूज़ टू नहीं है कि वो किसी के सामने जाएं और झुके करके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें यहाँ से सिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो क्या होता है, हमारा एम्परर जो है वो इन दीवार के पीछे छुप के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी तक प्रिंसेस यहाँ क्यों नहीं आई है। तो यदि प्रिंसेस नहीं आएगी तो क्या मेली मर जाएगा करके क्या? तो फिर वहाँ पर वापस से एक आदमी उसको मेली को लात मारता है और मेली फिर गिर जाता है और उस मेली का जो जेड हेयर पिन होता है वो भी नीचे गिर जाता है। तभी एम्परर को लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि उसका हेयर पिन जो है उसकी माँ ने जो छोड़ा था वो गिर गया है और ये एक तरीके से टोकन ऑफ लव था जो कि प्रिंसेस योंगनिंग को फ्यूचर में मिलने वाला था। और तभी ये आदमी जो होता है वो जो उसको बुली कर रहा होता हमारे मेन लीड को, वो बोलता है कि ये क्या चीप सी चीज़ है और उसको ना अपने पैरों से कुचलने के लिए जा रहा होता है। तभी मेन लीड देखता है कि ये आदमी के इंटेंशन सही नहीं है इसके हेयर पिन को लेके। तभी एम्परर आता है, निकलता है टेबल के पीछे से और बोलता है हिलना मत करके। तभी वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि ये चीप है, ट्रैश है, तो क्या तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट है मेरे लिए तुम्हारी नज़र में? तो बाकी के सारे सर्वेंट्स नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आप यहाँ क्यों आए हो? तो हमारे मैजेस्टी बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं कि यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम अपने अपने आप को अब कैसे पनिशमेंट करना चाहोगे? तभी मेन लीड जो है वो जेड पिन को उठाता है और तभी एम्परर बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारा बदला लूँगा करके। और तभी एम्परर गुस्से में आ जाता है और दो सर्वेंट्स को बोलता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो और वहाँ पर बोलते हैं क्या तुम तैयार हो करके। और ये दोनों सर्वेंट बोलते हैं कि मैजेस्टी हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एम्परर तो अभी भी अपने मतलब जो पास्ट लाइफ से आया है तो इसको हर चीज़ पास्ट लाइफ की दिखाई देती है। तो एम्परर बोलता है कि यदि एपोलॉजी से ही काम चलने वाला होता तो हमारे पास पुलिस क्यों होती? और ऐसा कह के वो बर्फ का गोला उठाता है और उन दोनों के कपड़ों में भर देता है और बोलता है ठीक है मेरे पीछे रिपीट करो जो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं डेथ के लिए एक्स नहीं करूँगा तब तक मुझे डेथ नहीं आएगी। और यदि चाहे विलन्स कितना भी अपना माइंड यूज़ कर ले, ब्रेन यूज़ कर ले, लेकिन जब तक मैं डेथ के लिए नहीं मांगूंगा तब तक मुझे डेथ नहीं आएगी। और यदि कोई मुझे बुली करेगा, मेल लीड को बुली करेगा, तो वो उसका जो दिमाग है वो कम होगा। ये बात सुन के ना दोनों का मुंह खुला रह जाता है। तभी हमारे एम्परर उनके सिर पे नॉक करते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक से पढ़ो और इस पैसेज को फिर से बोलो और ये तुम लोगों का टेस्ट होगा और मैं कभी भी तुम्हारे साथ इसका क्विज कर सकता हूँ, तो इसे तुम मेमोराइज कर लो और 3300 टाइम्स तुम्हें इसे याद करना है। इस जगह से तुम निकलो उससे पहले तुम्हें 300 टाइम्स इसे याद करना है, तो तुम इसे ढंग से याद करो। तो जो ये दोनों सर्वेंट्स होते हैं वो जाप करने लगते हैं कि जब तक हम डेथ को आस नहीं करेंगे, डेथ के लिए विश नहीं करेंगे, तब तक हम मरेंगे नहीं करके। और ये सब हमारा मेन लीड देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई एम्परर ऐसा क्यों है। तो इम्पीरियल हॉस्पिटल दिखाया जाता है और वहाँ पर दिखाते हैं कि मेड है और मेड को हमारे एम्परर पूछते हैं कि इम्पीरियल फिजिशियन ने क्या कहा। बताती है कि उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा इशू नहीं है। तो एम्परर खुश हो जाता है और बोलता है कि ये एक अच्छी बात है। तो ये मेड पूछती है कि एम्परर मैंने सुना है कि आपने जो दो लोग थे उनको सीवियरली नहीं पनिश किया है, यदि आप चूंकि आप इतना प्यार करते हैं और इतनी चिंता करते हैं प्रिंस सियान की, तो क्यों नहीं आप प्रिंस सियान को उनका अपना एंगर निकालने देते हैं करके और उन्हीं को पनिश करने देते हैं? तो एम्परर पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मेड बोलती है कि मेरा मतलब ये है
कि हम लोगों को वो जो दो लोग थे जिन्होंने प्रिंस यान के साथ ऐसा किया था, उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए, उनके हाथ भी तोड़ देने चाहिए, उनकी टंग को भी काट देना चाहिए करके। तो हमारा एम्परर अपने मन में सोचता है कि मिस होंग तुम इतनी ईवल कैसे बन गई एकदम से। लेकिन वो ये बात जोर से तो नहीं कह सकता, तो वो बोलता है, हमारे एम्परर बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्पीरियल हाउस होल्ड में होना ज़रूरी है, और जो जाओ है उसे इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जाओ ने इन चीज़ों को स्टॉप नहीं किया जो हो रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होना चाहिए? और तभी मेट बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ इतनी भी कि मुझे कोई रीज़न बताए, लेकिन मैं नॉर्थन किंगडम से हूँ। तो तभी वो पूछती है कि योर मैजेस्टी अब क्या कहना चाहते हैं। तभी मैजेस्टी बोलते हैं कि तुम जा सकती हो, मैं खुद जाके उसको देखूँगा और तुम अपने शिफ्ट से चली जाओ, तो मतलब अपना शिफ्ट बदल लो। और तभी अपने मन में सोच रहा होता है कि प्रिंसेस योंग निंग क्यों नहीं आई आज, और अपने मन में ये भी सोचता है कि मैं तो लव नॉवेल्स का फैन हूँ, तो मैं ये कैसे भूल गया करके। तभी वो जाता है और देखता है कि मैं लीड उसी की तरफ देख रहा होता है खड़े होकर। तभी एम्परर बोलता है कि वेट करो और हिलना मत, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें आज बहुत ही सफ़र करवाया है, तो मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे आके चाकू वाकू ना मार दो करके। तो अपने मन में सोचता है कि मैं आज कुछ भी हो जाए मैं लीड के आसपास नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करते कि तुम्हारे पास कोई तरह का वेपन नहीं हो करके। तो जो हमारे सेकंड मेन लीड है उन्हें डर है कि कहीं मेन लीड उसको मार ना दे, इसलिए वो उससे प्रॉमिस लेता है और मेन लीड उसकी तरफ देखता है। तभी मेन लीड पूछता है कि तुमने जो अभी अभी किया वो क्यों किया? तो एम्परर जो है वो बताता है कि मैंने जो भी किया वो प्यार की वजह से किया है, और मैं किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होऊंगा किसी भी तरह की सैडनेस से, और मैं हमेशा हैप्पी रहूँगा करके। तो फिर एम्परर हंसते हैं और बोलते हैं कि कोई ना, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सिंसियरली तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जिंग यांग पैलेस से मूव आउट करो और किसी दूसरी जगह पे जाके रहो। एम्परर बहुत ही टेंशन में आ जाता है और मेन लीड के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे डर है कि कोई ना कोई पैलेस में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि तुम मेरे साइड में रहो करके। तो मेन लीड बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो जो एम्परर है वो बोलता है ऑफकोर्स मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा करके, और उसके बाद ऐसा करके वो छींक देता है। और तभी वो सोचता है कि आज इतना ठंडा क्यों है कि जो मेरा ऑरा प्रेसिडेंट वाला है वो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेन लीड जो है वो फर उठाता है और उस फर वाले कोट को हमारे सेकंड मेन लीड के ऊपर लाके ढक देता है और बोलता है चूँकि अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक कंडीशन जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कंडीशन ये होता है कि हमारा जो मेन लीड है वो कहता है कि मैं पूरे पैलेस में फ्रीली वॉक करना चाहता हूँ करके, मतलब कोई उस पर पाबंदिश वगैरह ना हो। एम्परर बोलता है बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम्हारी, और मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे कि कोई तुम्हें ब्यूटीफुल वाइफ तुम्हारे लिए ढूंढी जाए करके। ऐसा कह के वो हंस पड़ता है। तो मेन लीड बोलता है कि ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है। तो फिर एम्परर बोलता है ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर अटेंशन ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आवाज़ लगाता है होंग को। तो होंग आती है, बोलती है यस योर मैजेस्टी, और तो वो बोलता है, एम्परर बोलता है कि एक कुछ अरेंजमेंट्स करो हमारे यान ही के लिए, और ये जो है अब जिंग यांग पैलेस से मूव आउट कर रहे हैं, अब दूसरी जगह पर जा रहे हैं।
और वह अपनी होंग के कान में बोलता है कि और ये ऐसा श्योर करना कि ये जो है इसका जो अगला पैलेस होगा निंग पैलेस हमारे आसपास ही हो करके। तो जो मेड होती है वो बोलती है ठीक है मैजेस्टी, जैसा आपने कहा है मैं वैसे अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। तो बोलता है कि मैं चाहे अपने मन में सोचता है कि मैं चाहे सिंगल ही रह जाऊँ, लेकिन मेरा जो ये है मेड लीडर उसे तो शादी करनी ही पड़ेगी। अब दिखाते हैं कि इम्पीरियल हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट में क्या हो रहा होता है। वहाँ देखते हैं कि हमारी लेडी मेड जाती है और वहाँ देखती है कि झाओ बैठा होता है। तो झाओ देखता है और बोलता है कि मिस होंग क्या आपको मैजेस्टी ने कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मेरे लिए। और ये जो है हमारे झाओ वो जो है वो इम्पीरियल हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट के हेड है। तो लेडी बोलती है कि हमारे मैजेस्टी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्रिंस यान जो है वो जिंग यांग प्लेस से मूव आउट करेंगे, तो मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम फटाफट उनके जो सामान है बिलोंगिंग्स है उसे भी इमीजिएटली मूव आउट करो। तो ये आदमी उठता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि जो जिंग यांग पैलेस है और वहाँ पर जो भी मैजेस्टी को सर्व करता है उसको तुम गाइड करोगी करके। तो लेडी बताती है कि ये जो बात है ये थोड़ा सर्टन है, लेकिन मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम इस बात को अंडरस्टैंड करोगे कि सभी को गाइड किया जा सकता है क्योंकि हम उन्हें गाइड करना चाहते हैं करके। तो ये आदमी बोलता है कि मिस होंग मुझे लगता है कि आप मजाक कर रही हो, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और ये मैं श्योर कर रहा हूँ कि जो मैजेस्टी हैं उनके सर्वेंट्स जो हैं वो लॉयल और ओबीडियंट हो करके। और तभी ये बोलता है कि मिस होंग आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी जिंग यान पैलेस से बिलोंग करता है वो हमेशा ही मैजेस्टी के साइड में भेजा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें यान ही क्वीन के साथ क्या करना है, मतलब मेन लीड के साथ करना है क्या करना है। एज ए सर्वेंट हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हमारे जो मैजेस्टी हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें और उनका जो हार्ट और उनकी डिज़ायर्स हैं वो हमेशा फुलफिल होती रहें। तो क्या मिस होंग आपको भी ऐसे ही लगता है जैसा मुझे लगता है। तब फिर डिनर का टाइम हो जाता है और हमारे एम्परर होंग से पूछते हैं कि यान ही क्या सेटल हो गया है क्या करके। तभी ये मेड सर्वेंट बोलती है कि मैजेस्टी कि हमारे दिमाग में एक ही बात होती है और वो भी बात ये होती है कि हमारे जो मैजेस्टी हो उनका वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें और उनका हार्ट और उनकी डिज़ायर भी जो है वो फुलफिल होती रहती है फुलफिल होए। और तभी मेड पूछती है कि योर मैजेस्टी आप क्या वाकई में प्रिंस यान को देखना चाहते हैं। तो एम्परर बोलते हैं हाँ मैं वाकई में उसको देखना चाहता हूँ करके। तो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, मैं जाके प्रिंस यान को इस चीज़ के बारे में बताती हूँ और आपकी मीटिंग इमीडिएटली फिक्स कराती हूँ। तो एम्परर बोलता है ऑल राइट ठीक है। तभी कोई आता और बोलता है कि मैजेस्टी और मैजेस्टी प्रिंस यान जो है वो आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। और वो बोलता है कि ये मेड बोलती है कि मैजेस्टी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है और ऐसे प्रिपेयर की कि आपको पसंद आएगी एक स्पेसिफिक मैनर में। एम्परर को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या बोल रही है कौन सा स्पेसिफिक मैनर करके, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और एम्परर बाहर जाता है और सोचता है कि आखिरकार जो ये मेड होंग है वो क्या ही करना चाह रही है और हमारा यान ही किधर है, मतलब मेन लीड किधर है। तो वो क्या देख रहा होता है कि मेन लीड को बांध बूंद के रस्सी से बिस्तर पे उसके लेटा दिया गया है।
और वो बेहोश सा भी पड़ा हुआ है। तो हमारे एम्परर को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो सोचता है कि यान ही क्विंग वो यहाँ पर ऐसे बंधा हुआ क्यों पड़ा है। और वो अपने मन में सोचता है कि हे भगवान, ये क्या है, ऐसा कोई सीन तो नॉवल में नहीं था। और तभी क्या कहते हैं, हमारा मेन लीड बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। तो हमारे एम्परर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी मैं फ्री करता हूँ, और वो फटाफट उसकी रस्सियाँ खोलने लगते हैं। और तभी वो सोचते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें चल रही है, मुझे किस तरह की चीज़ों के साथ गुजरना पड़ रहा है, और वो उसकी रिबिन को खोलने लगता है। तो मेन लीड बोलता है तुम्हारा हाथ, तो एम्परर बोलता है हाँ तो मेरे हाथ के बारे में क्या। और तभी मेन लीड बोलते हैं कि तुम्हारा जो हाथ है वो बहुत ही ठंडा है। तो हमारे एम्परर सोचते हैं कि पता नहीं हॉन्ग ने मेन लीड के साथ क्या कर दिया है जो उसको ऐसा फील हो रहा है। सारी रस्सियाँ खुल चुकी होती है और एम्परर बोलते हैं कि अब तुम फ्री हो। लेकिन जैसे ही रस्सियाँ खुलती हैं और हमारा मेन लीड एम्परर के गले में हाथ डाल देता है। और तभी एम्परर को समझ में नहीं आता कि क्या होता है। वो बोलते हैं हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्या। और तभी हमारा मेन लीड फट से फ्लिप करता है और एम्परर को नीचे कर लेता है, और वो खुद एम्परर के ऊपर आ जाता है। अब क्या होता है कि एम्परर के तो मन में अभी भी खौफ ही लगा हुआ है कि कहीं वो उसे मार ना डाले, तो वो फटी हुई आँखों से उसको देखने लगता है। लेकिन मेन लीड उसके एकदम पास पास आता चला जाता है और एम्परर पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर। हमारा मेन लीड है वो हमारे एम्परर के ऊपर होता है। और तभी हमारे एम्परर के दिमाग में घंटी बजती है कि हो सकता है हॉन्ग ने मेन लीड को कोई किसी प्रकार का ड्रग दिया हो और अब उसमें ऐसी सब इच्छाएं पैदा हो रही हों। तो एम्परर सोचता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अपना लाइफ तो क्या कहते हैं वैसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और अब मेरा मतलब ये जो शरीर है इसमें जितना भी उसने संभाल के रखा था अब इसको भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और तभी हमारा एम्परर बोलता है कि भाई तुम गलत आदमी की तरफ आ रहे हो करके तुम, और वो उसको धक्का देने की कोशिश करता है और धक्का दे के उसको थोड़ा पीछे करता है। लेकिन मेन लीड वापस हमारे एम्परर के कंधे पे हाथ रखता है और उसको वापस नीचे लेटा देता है। जब वो उसको नीचे लेटाता है तो वापस हमारा मेन लीड उसके ऊपर आ जाता है। और तभी एम्परर बोलता है कि यानी वहीं पर रुक जाओ, स्टॉप करो। और हमारा यान ही यानी हमारा मेन लीड देखता है और देखता है कि एम्परर उसको एक किक मार देता है और उसको वापस नीचे की तरफ गिरा देता है। उसको गिराता तो है ही है, खुद भी गिर जाता है। अब वो देख रहा होता है कि मेन लीड जो है वो बिस्तर से नीचे गिर गया है। और तभी हमारा एम्परर जो है अपने आप को कंबल में रैप कर लेता है और सोचता है कि उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा। मेन लीड वापस आता है और कंबल को खींचने लगता है। और तभी हमारा एम्परर सोचता है कि हे भगवान मेरी ज़िंदगी को बख्श दो। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था, मेन लीड तो एम्परर जो ककून बना हुआ है उसके ब्लैंकेट को खींच रहा होता है और मेन लीड जो है खींचते खींचते उसी के ऊपर सो जाता है। और अब नीचे एम्परर, ऊपर मेन लीड, और दोनों क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। और तभी हमारा एम्परर सोचता है कि मैं जो हूँ इस वक्त सिर्फ क्राई क्राई मैन जैसा हूँ और मैं यही गाना गाना चाहता हूँ और ये कोई क्राइम नहीं है करके। और एम्परर को लगता है कि वो भी बहुत टायर्ड है और स्लीपी है और जो रात है वो बहुत लंबी है करके। अब फिर दूसरा दिन होता है और सवेरा होता है और जो हमारा मेन लीड है वो अपनी आँखें खोलता है और क्या देख रहा होता है कि दोनों फिर से एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं। मेन लीड उठता है, बैठता है और देखता है कि रस्सियाँ जो उसको कल रात को बांधी गई थी वो वहाँ पर खुली पड़ी हुई है। तब उसके दिमाग में सारा फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे उसने कहा था कि मैं आपको अभी फ्री कर दूंगा और ब्रदर तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को मतलब समझ के मेरे साथ तुम ये सब करना चाहते हो। ये सब उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा होता है। तभी हमारा एम्परर भी उठता है और पूछता है कि तुम उठ गए हो,
तो हमारा मेन लीड बोलते हैं कल रात को, तो हमारा एम्परर बोलता है अरे रुको एक सेकेंड, मुझे मेरे आपको एक्सप्लेन करने दो, वो मैं नहीं था करके। और तभी मेन लीड बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम नहीं थे जिसने मुझे कल रात को ड्रग किया था। तो एम्परर बोलता है और तुम क्या जानते हो। तो मेन लीड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं, ऐसा कभी तुम नहीं करोगे। तभी मेन लीड अपने बिस्तर से उतरता है और एम्परर को थैंक यू बोलता है। एम्परर को बड़ी खुशी होती है और वो सोचता है कि ये पहली बार है जब मेन लीड ने मुझे थैंक यू कहा है। और ये वो दिन दूर नहीं जब मैं मेन लीड का दिल कैप्चर कर लूँगा। और तभी हमारा मेन लीड पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है करके। तो एम्परर बोलता है तो तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। तो मेन लीड बोलता है हाँ मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। और तभी वो सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे किसी ने आइडल बॉय ने आइडल इंसान ने पिक करा हो जो उसका आइडल आगे बनेगा और वो अपने आइडल को सर्व करेगा। तभी क्या होता है कि वो पानी की बूंद लेता है एम्परर और टेबल पे लिखना चालू करता है और लिखता है XIAOYUN। तो हमारे एम्परर बोलते हैं कि हाँ हमारे फ्यूचर में तुम मुझे इस नाम से डायरेक्टली बुला सकते हो। तो मेन लीड जो है वो ये नाम देखता है बोलता है ओके। तो बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना है क्या कि कल रात को मैजेस्टी ने इयान ही को उठाया और पिक किया था और उस इयान ही को हमारे मैजेस्टी को सर्व करना पड़ेगा और उन लोगों ने तो सारी रात वो सब किया था। ये गॉसिप्स होने लगती है। और तभी दूसरी मेड बोलती है कि ये वही इंसान नहीं है जो हॉस्टेज के रूप में हमारे इस साउथर्न किंगडम से था। लेकिन हमारे जो मैजेस्टी हैं ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है करके। अब दूसरी ओर मैजेस्टी बैठे बैठे किताब पढ़ रहे होते हैं और तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारा जो मैजेस्टी है वो प्रिंस को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, कोई भी मौका प्रिंस को इम्प्रेस करने की अपेक्षा छोड़ते नहीं हैं। तो वो ये भी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे जो मैजेस्टी हैं और वो सडनली किसी को ऐसे लाइक करने लगेंगे और ये आदमी वैसे भी टॉल और हैंडसम है। और तभी वो बोलते हैं कि लेकिन कितनी दुख का विषय है कि हमारे मैजेस्टी जिंगयान पैलेस में रहते हैं करके।